हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप किस तरह से सहज या डिस्ट्रिक्ट की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर सहज की आईडी लेते हैं तो आपको जो है ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मुफ्त में ही मिल जाएगी आपको, यानी जो है सहज के लिए ही अप्लाई करना है। जैसे आपको सहज की आईडी प्रोवाइड होती है उसके 24 या 48 घंटे बाद आपको जो है ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से आपको जो है सहज में रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से अपना स्टेटस आपको चेक करते रहना है। जब भी आपका जो है एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो आपको जो है कॉल आएगा, वहाँ से जो है आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा। आपको सिंपली अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके उसमें जो है कुछ बैलेंस ऐड करने होंगे जो कि जो है सिक्योरिटी चार्ज होंगे, जो आपको कभी भी रिफंड नहीं होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से आपको जो है सहज में आईडी के लिए अप्लाई करना है। आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है, वहाँ पे टाइप कर देना है सहज और आपको यहाँ से सर्च करा देना है। जैसे आप यहाँ से सर्च कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आपको सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप सहज के होम वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो आप जो है जब इस पर पहुँच जाएंगे आप राइट साइड कॉर्नर में देख पा रहे होंगे आपको जो है रजिस्ट्रेशन लिखा दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस। आपको सिंपली क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आपको यहाँ पे जो है स्किप टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ स्किप टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आप किस टाइप से जो है अप्लाई करना चाहते हैं, आप बिजनेस पर्पज़ से या इंडिविजुअल से आप करना चाहते हैं। आप यहाँ पर भी इंडिविजुअल सेलेक्ट करिए, उसके बाद जो है कैटेगरी में आप यहां से सहज मित्र को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सहज मित्र को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे पर आपको यहां से सहज मित्र को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहां से अगर रूलर से हैं यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से हैं जिससे भी हैं आप यहां पर सिलेक्ट करके उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको अपने सारे डिटेल्स को फिल कर लेना है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपके पिता का नाम, जो भी हो आपको यहाँ से फिल कर लेना। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन का, आपको सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से ओटीपी भेजना है, उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, वहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो है इसी तरह से ईमेल को भी वेरीफाई करना है, आप अपना ईमेल यहाँ पर फिल कर लीजिए, उसके बाद वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो अपना एड्रेस यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर में आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एड्रेस का ऑप्शन, इस वाले कॉलम पर आप आ जाएंगे, आपको यहीं पर अपना एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल, उसके बाद प्रेफरेंसेस, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड लगाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, जो भी ऑप्शन होगा वहाँ से आप जो है चुनकर अपलोड लगा सकते हैं। आपको उसके बाद अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होकर आ जाएगी, आपको सिंपली फिर से यहाँ जाना है नो योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने एप्लीकेशन आईडी को फिलअप कर देना है, फिर उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका स्टेटस यहाँ पे शो होने लगेगा, आपको यहाँ पे स्टेटस अपना चेक करते रहना है। उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है आपको जो है सिंपली एक कॉल आएगा, वहाँ से आपको जो है आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आपको जो है अपने सहज के पोर्टल में बैलेंस ऐड करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। नमस्कार। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।